ब्लेसिंग uh, से शेयर कर देती हूँ कि इस जर्नी में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं क्या हमारा कंटेंट रहेगा और हम इसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे सो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन सो द कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट इज थ्री इन वन स्पेशन कोर्स थ्री इन वन क्यों बोल रहे हैं इसे और इस जर्नी को करने के पीछे या इसके लिए हमें क्या आवश्यक चीज है वो जान लेना जरूरी है देखिए अगर आपको टैरो की नॉलेज नहीं भी है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं वेरी फर्स्ट थिंग इस कोर्स में हम तीन डेक्स कवर करेंगे रीजन बी हम क्यों कर रहे हैं इसे ओशो जैन जो है दैट फॉर्म द बेसिस उसके मेडिटेशंस उससे आप खुद को भी डिस्कवर करेंगे क्योंकि जब हम अपने आप को जानते हैं अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं अपनी वाइब्रेशन रेस करते हैं तो हम खुद को भी डिस्कवर करते हैं और ये ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती है किसी भी डेक को करने से पहले तो जब हम ओशो जेन करेंगे तो दैट ले यू कि हम कैसे कार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कैसे उन्हें इंटरप्रेट करना सीखते हैं उसके बाद वी एडिशनल डेक्स वन इज साई बाबा ओरेकल कार्ड जिसमें साई uh, बाबा के जो ओरेकल कार्ड्स है दे आर ब्यूटिफुल कार्ड्स विथ मेसेजेस जो कि गाइडेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं आज की डेट में अगर आप इसे एज अ प्रोफेशन भी फॉलो करते हैं टैरो को तो आप कहीं भी जाते हैं वेदर फॉर एनी इवेंट और एनीथिंग तो अलग अलग डेक्स से लोग कनेक्ट करते हैं बहुत सारे डेक्स अवेलेबल है मार्केट में तो अलग अलग डेक्स से आप कनेक्ट करके उनकी एनर्जीज को कैसे हार्नेस करते हैं और कैसे आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं टू कम एंड सी गाइडेंस फ्रॉम यू ओरेकल में और डेक में हमेशा एक डिफरेंस रहता है डेक में जो कार्ड्स होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू मेजर एंड माइनर आरकाना जहां पे मेजर आरकाना जो है वो आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स या मेजर चेंजेस को बताता है माइनर आरकाना उसके सिग्निफिकेटर्स बताता है जो कि एलिमेंट बेस पे डिवाइडेड है जैसे राइडोवेट्स में हमने देखा तो उसमें क्या था फायर एलिमेंट वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट तो और अर्थ एलिमेंट इन चार एलिमेंट्स में डिवाइडेड है ऐसे ही हम जब सेंड करेंगे तो हम इसको मेजर और माइनर दोनों की कहानी को समझेंगे उसे लिंक कैसे करना है एक बारी अगर हम रीडिंग करते हैं तो हमारे स्प्रेड्स क्या होने चाहिए और इससे हम सामने वाले को एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस और पास्ट से कनेक्ट करते हुए उसकी लाइफ स्टोरी कैसे बता सकते हैं कैसे गाइड कर सकते हैं दैट वी लर्न एकल कार्ड इसमें हमारी क्या हेल्प करते हैं बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं हमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो उस केस में दो तरीके होते हैं या तो आप अपने ओरिजिनल डेक से येस और नो का आंसर निकाल लीजिए नहीं तो अगर आप किसी भी डिवाइन सोर्स में बिलीव करते जैसे बहुत सारे लोग साईं बाबा में बिलीव करते हैं तो हम साई बाबा ओरकिल कार्ड से गाइडेंस निकाल लेते हैं तो गाइडेंस निकालते हैं तो वी गेट अ मैसेज। जैसे आज ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने लिए भी गाइडेंस निकाली थी आई जस्ट कनेक्टेड विद बाबा कार्ड्स और उसके बाद मैंने एक गाइडेंस निकाली जिसमें जो मैसेज मेरे पास आया दैट वॉज आई जस्ट शेयर इट विथ यू ऑन स्क्रीन ऑल इज वेल और इसमें आप देखेंगे कि ईश्वर के अलग अलग स्वरूप मिलकर एक फॉर्म कर रहे हैं कि जितने भी स्वरूप हैं जितने भी आपके चाहे गणेश जी हैं चाहे शिव जी हैं चाहे कृष्ण जी हैं चाहे बाबा है चाहे हनुमान जी हैं ये सारे असेंडेड मास्टर्स जिस फॉर्म में आप इन्हें याद करते हैं ये उस फॉर्म में आपके साथ हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं सो अ लवली मेसेज टू स्टार्ट द मॉर्निंग विथ जो मैंने अभी गाइडेंस मांगी थी और मेरे को ये गाइडेंस मिली बिकॉज आई हैव अ हैबिट ऑफ ड्राइंग द गाइडेंस तो उसके हिसाब से क्या रहता है जब guidance आपको मिलती है आपको पता है आप सही है तो वो कॉन्फिडेंस आप गेन करते हैं द सेम इज यू कैन शेयर इट विथ योर क्लाइंट यू कैन शेयर इट विथ पीपल हु आस्क यू फॉर द सेम तो ये एक हो गया कि हम दूसरा डेक कौन सा करने वाले विल बी बाबा नाउ कमिंग टू द थर्ड डेक जिससे रिलेटेड मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे दैट वॉज पोस्ट कार्ड फ्रॉम स्पिरिट्स नाम सुनने में और अगर आप पैकिंग देखेंगे तो थोड़ा सा वो लगेगा आपको कि ये कैसा है कुछ लोग फैसिनेट होंगे इवन आई गोट फैसिनेटेड जब मैं ये डेक देख रही थी मुझे पता नहीं कि वो बहुत अट्रैक्ट किया है इसने जबकि देखिये बिल्कुल सिंपल है और अगर हम इसके कार्ड्स देखेंगे तो इसके कार्ड्स भी बिल्कुल सिंपल है दे ओनली हैव रिटन मैसेजेस नो पिक्चर्स नथिंग कुछ भी नहीं है देखिये कोई पिक्चर नहीं कोई कलर नहीं और इन कार्ड्स को हम जानेंगे ये कार्ड्स हम कब यूज करते हैं और ये कार्ड्स Uh, जो लोग प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हैं uh, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने प्रोफेशन में एक्सपीरियंस भी की है काफ़ी लोग आते हैं जिनकी फैमिली में किसी का लॉस हुआ है एंड वो पता नहीं क्यों उन्हें खोजते खोजते या उनसे कनेक्शन के बारे में पूछते हैं नाउ वेन यू आर सिटिंग एट अ पब्लिक प्लेस आप चाहे मीडियम हैं चाहे नहीं हैं आप मीडियमशिप प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो उस केस में हम ये मैसेजेस कैसे ड्रॉ करते हैं हम मैसेजेस इस डेक के थ्रू ड्रॉ करते हैं विच इज पोस्ट कार्ड फ्रॉम स्पिरिट्स और इसमें ट्रस्ट में me, जो मैसेजेस आते हैं वो एकदम इतने अप्रोप्रिएट आते हैं कि आपको लगेगा वाकई ही कोई आपके नोन में जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं वो आपके हालात से रिलेटेड मैसेज दे रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होता है हमें बस अपनी वाइब्रेशन को रेस करना है छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो इस कोर्स इस जर्नी के दौरान हम करेंगे तय और उससे हम वहां तक पहुंच जाएंगे कि हम इन कार्ड से कनेक्ट कर पाएंगे सो वी आर गोइंग टू डू थ्री लवली डेक्स जो कि आप कर लेंगे तो उसके बाद आई फील कि आपके लिए कोई भी डेक मुश्किल रह ही नहीं जाएगा आप कोई भी डेक चूज कर सकते हैं एक्चुअली नो हैव आइडिया कि आप इसको कैसे रीड कर सके ये आपको क्लियर हो जाएगा अब आते हैं कि इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे ओशो जेन कार्ड्स पोस्ट कार्ड साई बाबा कार्ड्स करेंगे ये तो तीन बेसिक चीजें हैं जो कोर्स भी बताता है आपको लेकिन इससे पहले हमें क्या क्या जानना जरूरी है अपने बारे में पहली चीज तो अपने क्लेयर्स को आइडेंटिफाई करेंगे छोटी छोटी एक्सरसाइजेस है जिससे हम अपने क्लेयर्स को पहचानते हैं और उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं फिर हम आप अपने डेक से कैसे कनेक्ट करें कौन से डेक से देखिए हर डेक से कनेक्शन का तरीका अलग होता है स्पेशली व यू आर डीलिंग विद एनर्जीज ऑफ पैरल वर्ड लाइक पोस्ट कार्ड विद स्पिर सपोज आप ऐसी एनर्जीज से डील करने जा रहे हैं तो इसमें क्या है कि हमें सही तरीके से खुद को प्रोटेक्टेड भी रखना जरूरी है ग्राउंडेड भी रखना जरूरी है क्योंकि हम सब एक फैमिली लाइफ लीड करते हैं तो उसके लिए देर आर टेक्निक्स विल बी विच वी विल बी प्रैक्टिसिंग ड्यूरिंग दिस जर्नी कि कैसे हम खुद को एक प्रोटेक्शन जोन में रख के एक सेफ जोन में रख के इन सब चीजों के जवाब पा सकें तो कार्ड्स पे मेडिटेट करना अपने जवाब ढूंढने के लिए कार्ड्स को समझना फिर हर डेक के पीछे का आइडिया क्या है जैसे मैंने आपको इनिशियली भी बताया कि ओशो जेन में हम रजनीश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि मतलब क्या है व्हाट इज जेन Zen है शून्यता की अवस्था जहां पे आप मेडिटेट करते हुए खुद से ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं कि एवरीथिंग गोज टू जीरो कुछ याद नहीं रहेगा कुछ फील नहीं होगा और उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो आपको सब कुछ बहुत फ्रेश लगेगा लेकिन एक्चुअली क्या है कि आप उस लेवल तक ट्रेवल करके अपने अंदर के उस पावर को रियलाइज करना इज जेन स्टेट तो उसको समझना हर डेक के पीछे के आइडिया को सिमिलरली जैसे हम साईं बाबा के डेक को समझेंगे तो उसमें हम अपने घरों में बैठे बैठे कनेक्ट करेंगे उन एनर्जीज से बाबा से कनेक्ट करेंगे उनकी गाइडेंस लेंगे हम तो हमारा कनेक्शन जो होगा वो सारे हायर सेल्फ के अलग अलग रूप से होगा जहां वील बी कनेक्टिंग विद एंजल्स वील बी कनेक्टिंग विद हायर सेल्फ टू फाइंड आंसर्स टू आर क्वेश्चन फिर सबसे कॉमनली uh, पूछा गया सवाल कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आप ठीक है कि आप एक डेक के थ्रू रीडिंग कर रहे हैं बट व्हाट क्वेश्चन टू आस्क जो आपके क्वेरेंट बैठे हैं, वो तो कई चीजें पूछते हैं तो आप डेक से एग्जैक्टली exactly उसे कैसे फ्रेज करके और पूछेंगे देन अपने डेक को आप कैसे मेंटेन करेंगे दैट इज क्लीनिंग ऑफ योर डेक एंड मेंटेनिंग ऑफ योर डेक आप अपने डेक में क्योंकि देखिए आपके डेक में एनर्जीज होती है एंड मोर ओवर आप जितनी रीडिंग्स करते हैं वो उतनी एनर्जी सोख करते जाते हैं तो अपने डेक को क्या आपको किसी को हाथ लगाने देना चाहिए डूज एंड डोंट्स फिर अलग अलग तरीके के स्प्रेड्स बहुत सारे सवाल होते हैं हर एक की लाइफ की सिचुएशन अलग है आप कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड जानना चाहता है तो उसके लिए एक अलग स्प्रेड है किसी का मैटर कुछ और है कोई जनरल रीडिंग चाहता है तो अलग स्प्रेड है कोई ये जानना चाहता है कि उसका दिन कैसे बीतेगा तो हम सिंगल कार्ड से भी निकालते हैं हम थ्री कार्ड स्प्रेड से भी निकालते हैं तो हर तरीके में हम उस चीज को समझेंगे आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन प्रैक्टिकली जब हम इसे करते हैं सबके साथ मिलके तो वी गेट द आइडिया कि यस वी नो दिस देन कमिंग टू द मेजर पोर्शन विच इज रेमेडीज लोग आपके पास क्वेश्चंस पूछने आते हैं आप उन्हें जवाब दे देते हैं आप उन्हें बता देते हैं अच्छा ये समय आपका ऐसा चल रहा है आगे ऐसे चैलेंजेस दिख रहे हैं नाउ इफ देर आर चैलेंजेस तो वो आपसे पूछेगा तो मुझे क्या करना चाहिए तो वो रेमेडी आप कैसे बताएंगे और कैसे आप इनके थ्रू हेल्प कर सकते हैं लोगों की विल कम टू दैट एस्पेक्ट ऑल्सो देन you <laughs>